नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने आज बाढ़ प्रभावित राजौर गांव का दौरा किया और लोगों का हाल जाना। उनके साथ पूर्व सांसद चौधरी चंद्र कुमार, प्रदेश कांग्रेस सचिव केवल सिंह पठानिया भी मौजूद रहे। बता दें कि सोमवार को भारी बारिश के चलते इस क्षेत्र में भारी तबाही हुई थी, गाड़ियां बह गई थी, लोगों के घरों में पानी घुस गया और दुकानें टूटी थी। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बीते कल यानी मंगलवार को इस क्षेत्र व शाहपुर के वो क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया था। सराहनीय लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री का दौरा मात्र औपचारिकता थी, किसी भी बाढ़ प्रभावित को फौरी राहत नहीं दी गई। मुकेश ने कहा कि प्रशासन को चाहिए कि मुख्यमंत्री की आवभक्त से ज्यादा इन लोगों की मदद करते और मुख्यमंत्री को चाहिए कि इन प्रभावित लोगों को राहत सामग्री व फौरी राहत दे। अभी ये है कि जैसे गांववासी जो कर रहे हैं इनका खाने पीने का जो भी है, अदरवाइज कुछ भी नहीं, लेकिन पूरी जिंदगी कमाई सब 15 नहीं सर, कुछ नहीं, कोई पूजा कुछ ये तो सारे है कि आप आपस में हम गांव वासी मिलजुल के, ये है कि अदरवाइज अगर हम भी कुछ नहीं करें तो बेचारों ने मतलब भूखे ही रहना था, दो तीन दिन तो हो गए, क्या करना था, छोटे छोटे बच्चे हैं मतलब उनके क्या करना, इनके तो आप अंदर देखें तो बिल्कुल सर, मैं वही पूछ रहा हूँ कि कल यहाँ पे शहरी विकास मंत्री सुबह आई थी, मुख्यमंत्री भी जिला कांगड़ा में थे, उसके बाद अब तक इन लोगों को फौरी राहत नहीं मिलना, इसको किस तरह से आंकते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री का दौरा हो गया हो और स्थानीय मंत्री का इलाका हो और लोगों को अभी तक जो है फौरी राहत ना मिली हो, लोग अभी तक भी जो है भूखे हो, ये जो है सही बात नहीं है। प्रशासन को सिर्फ आए हुए लोगों की आओ भगत से प्रशासन जो है कमरों से बाहर आए और यहाँ पे जो है सड़क के किनारे क्या है, ये तो मसला, अगर सड़क किनारे भी आप फौरी राहत नहीं पहुँचा सकते तो कहाँ पहुँचाएंगे? आया है जिसमें 30-40 चंद्र कुमार जी हैं, हमारे एम एल ए काजल हैं, हमारे एम एल ए और हमारे जनरल सेक्रेटरी पार्टी और यहाँ के स्थानीय नेता केवल सिंह पठानिया जी हैं। पार्ट मेंबर डेलीगेशन जो है यहाँ पे इस समय चौरा कर रहा है और क्योंकि अभी हम लैंड किए ही हैं और हमने शुरुआत में ही देखा कि इसके सबसे राजौर से आपका फैसला टीवी के लिए जमात अली की विशेष रिपोर्ट।